अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फराह हसन एंड आई वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम पढ़ेंगे फोर पर्सनल नॉलेज का लेसन, हेल्दी फूड्स। डियर टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्दी फूड्स, यानी कि सेहतमंद ग़िज़ाओं के हवाले से। डियर टीचर्स, इस लेसन में बच्चों को बताइए कि उन्हें ऐसे खाने नहीं खाने चाहिए जो कि नुकसानदेह हों, यानी कि बाज़ार के खाने। उन्हें हमेशा घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए और कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनके ज़रिए वो क्या रह सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेसन हेल्दी फूड्स की तरफ और देखते हैं कि उनमें किन किन ग़िज़ाओं के बारे में बात की गई है। हेल्दी फूड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्दी फूड्स के हवाले से है, यानी कि सेहतमंद खाने या सेहतमंद ग़िज़ाएँ। प्यारे बच्चों, आपको हमेशा अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए, आपको बाहर के खाने नहीं खाने चाहिए, वो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। तो नंबर वन, पहली तस्वीर में देखिए सैंडविच। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सैंडविच खाना चाहिए। हम चिकन सैंडविच भी खा सकते हैं और एग सैंडविच भी खा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हनी। हनी यानी कि शहद। शहद भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इससे हमें शफा भी मिलती है। नेक्स्ट देखिए मिल्क यानी कि दूध। दूध जो है वो हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है और हमें हेल्दी बनाता है, तो हमें दूध लाजमी पीना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रूट। प्यारे बच्चों, हमें डेली फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें डेली फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं वो हमें विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं और हमारी सेहत को बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट देखिए राइस। राइस यानी कि चावल। प्यारे बच्चों, हमें घर में बने हुए चावल भी लाजमी खाने चाहिए, हमें बाज़ार के खानों से या बाज़ार में बने हुए राइस जो होते हैं उनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बटर। बटर यानी मक्खन। प्यारे बच्चों, बटर भी एक हेल्दी ग़िज़ा है जिसे आप ब्रेड पे लगाकर भी खा सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए जूस। हमें फ्रेश जूस पीना चाहिए, हम ऑरेंज जूस भी पी सकते हैं, स्ट्रॉबेरी जूस भी पी सकते हैं, मैंगो जूस भी पी सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद देखिए योगर्ट। योगर्ट यानी दही। प्यारे बच्चों, हमें रोज़ाना दही का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट देखिए चीज़। प्यारे बच्चों, हमें अपने खाने में चीज़ का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। नेक्स्ट देखिए नट्स। नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट, जैसा कि बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह। तो हमें ये नट्स भी अपने खाने में इस्तेमाल करने चाहिए, ये भी हमारी जो एनर्जी है उसे पूरा करते हैं और हमें ढेर सारी ताकत बख्शते हैं। लास्ट में देखिए सलाद, जिसे हम सैलड भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपने ग़िज़ा में सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इससे जो हमारी स्किन है वो फ्रेश रहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।